नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद है मैं आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई है। और आज एक पोस्टर यहां और लगा हुआ है, देख सकते हैं बाबरी मस्जिद शहादत दिवस का भी एक पोस्टर यहां लगा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार भाजपा के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से अयोध्या में और अब मथुरा की बारी है, तो इसको लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से ये लोग बयान दे रहे हैं, ये लोग पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। और जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं वो राष्ट्रवाद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इस तरह की बातें जगदानंद सिंह ने कही है। और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी जगदानंद सिंह ने हमला बोला है। सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। इतिहास बदलने का कोई भी प्रयास जब करेगा तो भारत को संकट में डालेगा। सवाल एक स्थान का नहीं है, सवाल है उस भावना का। ये भावना के आधार पर राष्ट्र एक सूत्र में बंधता है और सभी मिलकर के चलते हैं अपने राष्ट्र को बनाने के लिए। बाबा साहब ने कहा था, राष्ट्रवाद तभी होगा जब समानता और समाजवाद के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा। असमानता और विसंगति के आधार पर कोई दुनिया में राष्ट्रवाद नहीं चलता है। इक्वल राष्ट्रवाद इनका शब्द है और सभी को धोखा देने का। धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भारत, यदि हमला होने लगेगा आस्था के प्रतीक स्थानों पर, तो जिस दिन इस मुल्क की आस्थाएं टूटेंगी उसी दिन इस मुल्क की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। ये सरकार व्यवस्था की संचालक है, ये समाज की एक बनाई हुई संस्था है। सरकार समाज का निर्माण करता नहीं है, बल्कि सरकार का निर्माण भारत की जनता करती है। और उनके संरक्षण में जो आज हमले हो रहे हैं, जो आज खतरे में इस मुल्क है, तो और भी सामयिक हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी, उनके आदर्श, बनाया हुआ संविधान और पंथ निरपेक्ष के लिए किसी भी अवस्था को केंद्र कोई छूने न पावे, इसलिए हम लोगों ने उसको भी याद किया है। सर, बाबरी विध्वंस की आज बरसी है, लेकिन मथुरा को लेकर भी क्या मथुरा को लेकर भी सर कहीं संघर्ष जो है, मथुरा को लेकर भी बवाल हो रहा है, वहाँ वन धारा 144 लगाई हुई है। आस्थाओं पर हमला करने वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आस्था ही न है ये स्थान, आस्था का है, चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, ईसाई धर्म को मानने वाले हों, हिंदू धर्म को मानने वाले हों, जैन साहब लोग हों, सिख हों, पारसी हों, सबकी आस्था आस्था का केंद्र है, लेकिन भारत सबका है। यदि उस आस्थाओं पर हमले होंगे तो भारत की सरकार एक व्यवस्था का संचालक है, और आस्था पर हमले इस भारत को विखंडित कर डालेगा। इसलिए भारत खतरे में है, इसलिए इस भारत के संविधान के प्रति और उसके सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र के सामने, उनके चरित्र के सामने, उनके व्यक्तित्व के सामने, उनका इस मुल्क के लिए जो राष्ट्र में योगदान है उसके प्रति हम लोग सम्मान प्रकट करते हैं आप सबों के भी माध्यम से। लेकिन अंतर्राष्ट्र व्यवस्था इस वर्तमान सरकार ने बनाई है, ये छिपेगा क्या है? खैर, खून खांसी खुशी पैर क्या क्या है, मधुपान वृत मधुपान रहमन दावे न जब दबे जाने शकल यहाँ। नीतीश कुमार ये मधु का, ये शराब का व्यापार करेंगे और छुपा करेंगे। नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं 15 तारीख से। अब मैं आप लोगों को प्रणाम करूं सर, 15 तारीख से सीएम यात्रा पर निकलने वाले हैं। सुन लो, सबसे मैं शिकायत कर रहा हूं, उस दिन जो मैंने शराबबंदी के बारे में कहा, बोलो यहां जितने बैठे हो किसी ने अपने सोशल मीडिया पर दिखाया नहीं? दिखाया। पहले आप लोग भी देखो, भाजपा वाला दिमाग मत बनाओ, लोगों की बातों को जाने दो। आज शराब पर सवाल कर रहे हो, और जब सवाल पर मैं पूरी चीज़ों को सवाल किया और पूरे इस बिहार में एक आर्थिक अर्थव्यवस्था जिसके चलते ये बिहार समाप्त हो रहा है, और मैं नीतिगत विषयों को उठाया था, नीतिगत बिजली का ही विषय था लेकिन नीतिगत मामला, लेकिन आप लोग समझो कि बड़े हम बहादुर हैं, हम लोग इसको जाने ही नहीं देंगे। याद रख लेना, विषयों को दबाओगे
वो विषय तुम्हारा भी है, कल नुकसान तुम्हारा भी होगा। ये होता है ना किसी किसी को खतरे में डालना, पागलपन है, कोई पागलपन का ही शिकार है जो इस तरह की बात करता है। पारी पारी आस्थाओं को विध्वंस करोगे तो राष्ट्र के प्रति वफादारी और आस्था कैसे रह जाएगी। ये जेडीयू के विधायक जो है सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई शराब पे तस्करी कर रहे हैं, भोपाल मंडल में। आप भ्रम में मत पड़िए, मैं एक लाइन में